पता करके फिर कभी यहाँ मत आना। ओके सरू, बाय। यहाँ क्यों आए तुम? मत आना कहा था ना? तुम्हारी याद आ रही थी सरू, तुमसे बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता है। सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें गुस्सा आया तो मुझे मारो, अभी उसे गाली दी ना, मुझे भी ऐसे गाली दो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। ऐसा बिल्कुल मत कहना प्लीज सरू, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। प्लीज सरू, मुझसे बात करो सरू। शीशी, उठो बबलू, उस बास्टर्ड से बरोबरी कैसी तुम्हारी? तुमने तो अनजाने में कह दिया था। ओके, बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं घूमने चलें क्या? यस! सरू, मुझे बचा लो सरू, सरू मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ सरू, सरू प्लीज सरू, सरू मुझे बचा लो सरू। डैडी आप सरू कहाँ हैं? अरे तुम्हारी सरू की, स्कूल जाओ। छी, सपना देख रहा था। ये क्या है, पागल लड़का फिर यहाँ आ रहा है, रोज एक लड़की के नाम से अर्चना करवाता है, आज किस लड़की के नाम से अर्चना करवाएगा? पंडित जी, हाँ बोलो, किसकी अर्चना करनी है? आपकी बेटी के नाम पर तो नहीं, जितना कहा वो करो। यहाँ आने वाले सारे भक्तों को मैं समझाता हूँ और तुम आज के बच्चे मुझे समझाने आए हो, बोलो। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अग्रहार, अनंत लक्ष्मी, फूलिहार को घुमाना, माइक लेकर सबको बता दूं क्या? अरे 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 अरे, अरे बदमाश, बता तो सही, करना क्या है बताएगा तभी करूंगा ना। अभी सरस्वती नाम की लड़की आएगी, ये लेटर इस थाली में रखकर उस लड़की को दे दो। अरे बदमाश, पंडित के हाथों से ऐसे अपराध के कार्य कराता है, तेरे पिंडदान करके कुत्तों को खिलाऊं? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, पंडित हो पंडित की तरह रहो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तू यहाँ से जल्दी से जा रहे शनिचर, कोई सुन लेगा तो मेरी इज्जत जाएगी। वहाँ देखो वो रोज कलर का ड्रेस पहनकर आ रही है ना, वही है लड़की सरस्वती। तुम शुरू हो जाओ, मैं भी आता हूँ। करना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं। गणपति बप्पा, इस बबलू से मुझे बचाओ, वो अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक में पास हो स्वामी, काम धाम छोड़कर प्यार प्यार कहकर मेरे पीछे पड़ गया है वो तो। अब कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दिया है, मुझसे वादा भी कर चुके हैं। कैसे भी करके हमें मिलाएंगे। देखो यार, एक बेचारी अकेले लड़के को क्यों रुला रहे हो? कुंवारे रह जाओ मेरी तरह, नहीं तो सन्यासी बनकर हिमालय पर चले जाओ। क्या, मैं कुंवारा रह जाऊं, सन्यासी बनकर तुम्हारी चौखट पर बैठ जाऊं? ये आपका समय नहीं है स्वामी, ये हमारा समय है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपसे बड़े से बात करता हूँ। ये कैसा लड़का है स्वामी, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। इस लड़के को अच्छी बुद्धि दो, मैं तिरुपति आकर टकली हो जाऊंगी। यहाँ भी ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है, टकली होने से, अंग प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं। ए, इस लड़की को भूल जा यार, जाकर किसी दूसरी लड़की को पटा, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हेलो, क्या कहा आपने, दूसरी लड़की को ट्राई कर लूं? मैं कोई हलवा हूँ क्या? एक लड़की को पटाने के लिए इतने महीने लग गए, ऐसे ही छोड़ता चला जाऊंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा। मेरी बात मान, इस लड़की को भूलने में तेरी भलाई है। क्या भूल जाऊं, तिरुपति का लड्डू हूँ क्या? तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, ये तुम्हें अभी पता चला? वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। गोत्र? कश्यप। सरस्वती नाम कश्यप गोत्र सतेन्द्र। प्लीज सरू मेरे दिल को समझो, मेरे दिल में जो है मैंने वही लिखा है, तुम्हें देखे बिना बात किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, दया करके मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज, आई लव यू।
बबलू तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ क्या करूँ बताओ, उस कुएं में जाकर कूद जाऊँ, अंग प्रदर्शन करूँ क्या, नहीं तो कान में फूल लगाकर सारा शहर घूम के आऊँ, क्या करूँ बताओ तुम। ओके बबलू अभी टाइम वेस्ट मत करो, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को अपने प्यार के बारे में बता कर आओ, तभी तुम्हारे बारे में सोचूंगी। यस रुको एक मिनट, उससे मैं अनाप शनाप कह दिया, सॉरी दिल पर मत लेना, मेरे जैसा ना समझ कुछ भी कह देता है, बुरा मत मानना। पहले डांट रहे हो, अब दिल पर मत तो कह रहे हो, तुम कैसे बात हो यार। सॉरी गणपति जी, बाय। स्वामी आप बड़े हैं, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, तिरुपति आकर टकला बन जाऊंगा। जो श्रद्धा से मेरी चौखट पर आते हैं मैं उसी का काम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कोई आकर ऐश्वर्या राय से मेरी शादी करवाओ ऐसा कह रहा था, जबकि ऐश्वर्या की शादी मैं अभिषेक से करवा चुका हूँ। तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा मत करो स्वामी प्लीज, सर के बाल दूंगा बोल दिया ना स्वामी। नहीं पहले अपने बाल मुझे अर्पण करो, तभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। ठीक है स्वामी ऐसा ही होगा, सरू से शादी करके फैमिली के साथ आकर मेरे बेटे को भी टकला बनाऊंगा। बाय स्वामी। बदमाश लड़का। डैडी मेरी एज क्या है? मेरी पैंट फाड़ कर जब तुमने कोट सिलवाई थी तब तुम 12 साल के थे, मेरी शर्ट फाड़ कर जब तुमने चड्डी सिलवाई थी उस समय 13 साल के थे। और मैंने एज पूछी है तो आप पिछली जिंदगी की कहानी क्यों बता रहे हो? तुमने काम ही ऐसे किए इसलिए जानना जरूरी है, समझा? सुनने में बुरा लग रहा है क्या? इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में? अरे तेरे बारे में सोचकर मैं क्या करूंगा, गधे का बच्चा। पैदा करने से बाप का फर्ज पूरा हो जाता है, शादी करना भी आपका फर्ज है ना, तभी खुशी से खेलता रहता हूँ तो बीच में आकर मीटिंग शुरू कर देते हो। आप जैसा बाप हो तो मेरे जैसा बेटा कुछ नहीं कर सकता। बड़ों की इज्जत किए बिना आराम से बोलता जा रहा है तू, चुप रह और बड़ों की इज्जत करना सीख तू। समझ में ना आए ऐसी क्या बात है इसमें, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी के लिए उससे कहा तो उसने कहा पहले अपने पेरेंट्स को मनाओ, कुछ भी हो पेरेंट्स है ना, यही बात बताने आया हूँ। मार खाएगा क्या तू? अरे तू है क्या, तेरी उम्र क्या है? मैंने उसी दिन कहा था ये नालायक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, सुना तूने? अरे ये सब लव क्या है, शादी क्या है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? खराब नहीं हुआ, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने से पेट नहीं भरा शादी करनी है, तुम्हें टकला बनाकर सिग्नल से बिठाऊंगा। नहीं नहीं अरे बैठ के मारूंगा तुझे, शादी क्या करेगी, शादी करनी है, नहीं नहीं शादी करेगी, डैडी छोड़ दे, शादी करेगी डैडी प्लीज, चल इधर चल हट, इतने भर के है नहीं और शादी करेंगे, सुनो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कोई सुनेगा तो। अरे अरे चुप हो जाइए, मैं सब पूछती हूँ इससे, अरे वो लड़की कौन है बता? अरे सटिया गई है क्या, अरे मारने के बजाय पूछ रही है लड़की कौन है? अरे हटिया जी, बेटा वो लड़की कौन है बेटा बोल? सामने के अपार्टमेंट में 302 की सरस्वती। सरस्वती अभी उसको सबक सिखाते हैं, चलो।